अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फराज़ और आप देख रहे हैं मोहम्मद फराज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पाकिस्तान की जो हालात इस आजकल चल रहे हैं, इंतहाई महंगाई अपने अरूज पर है और पाकिस्तान में हर शख्स अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और हालात हर बढ़ते दिन के साथ तबाही की तरफ जा रहे हैं और इसमें कुछ हमारा कसूर भी है, हम आवाम का। इसके अलावा बाकी जो हमारे हुक्मरान हैं उनका कसूर तो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो आजकल के इस माहौल में किस तरह से सरवाइव किया जाए जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर शख्स इनफरादी तौर पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो ये इनफरादियत है, ये जब माशरे किसी भी माशरे में आ जाती है तो वो माशरा तबाही का पेश खैमा ज़रूर साबित होता है और हमारे अंदर ये इनफरादियत हमें मज़ीद तबाही की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, तो जो दुकानदार है, शॉपकीपर है या कोई भी जो कारोबार है, उस पे जो बराजमान शख्स है वो आप से हर किस्म की चीज़ की डिमांड करेगा। मतलब कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो आपका ख्याल नहीं करेगा, उसे अपने कस्टमर का ख्याल नहीं है कि चले अभी क्राइसिस चल रहे हैं और हालात किस किस्म के हैं तो एक दूसरे के साथ तआमुन किया जाए। तो हर शख्स अपने सर्वाइवल के लिए सरगर्म है कि मैं किसी तरह अपने इस जो ये सिचुएशन चल रही है इससे खुद को निकाल लूँ और बाकी सबके साथ जो कुछ होता रहे वो कंटिन्यूसली होता रहे, इससे उसको कोई परवाह नहीं है। मैं हर उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो इनफरादी तौर पर ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें कर रहा है और जिसके अंदर ये इज्तमाईयत की सोच नहीं है। और इसके अलावा हम जिस तरह जूम रोज़ाना क्राइसिस की तरफ क्यों धकेले जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने इस्लाम और इस्लामी जो इकदार हैं और इस्लामी रवायात हैं और हमारे ऊपर जो फ़राइज़ हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। पूरी रियासत इंटरेस्ट पे चल रही है, सूद पे चल रही है और हदीस में आता है कि जिसने सूद लिया या सूद का कारोबार किया और सूद के कारोबार में जो मुलविस लोग हैं, सूद को लेन देन में जो मुलविस लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया, तो उसे सब बराबर के शरीक हैं और वो अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है। आप ख़ुद सोचिए कि जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, क्या हम उस जंग से जो अल्लाह के साथ हम लड़ रहे हैं उससे बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते। तो इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना होगा कि जब तक पाकिस्तान से सूद ख़त्म नहीं होगा, सूद के खात्मे के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस्लाम के सिवा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आप मगरबी ममालिक का जायज़ा लें, जापान एक ऐसा कंट्री है जो 0% इंटरेस्ट है, वहाँ पे सूद नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम मुसलमान होते हुए भी सूद पे पल रहे हैं, हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं, हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जो सूद पे आपको कर्ज देते हैं, सूद पे लोन देते हैं, सूद पे के कारोबार पे चल रहे हैं। तो खुदारा अपना और अपने अहलोयाल का और अपने पाकिस्तान मुल्क का ख्याल करें और इस सिलसिले में ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। अब अगर आप इस मामले में नहीं उठेंगे और अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे तो शायद मज़ीद देर हो जाए। और अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कुछ अर्सा क्राइसिस रहेंगे, तो इन क्राइसिस से निकलने के लिए अपने हालात को कंट्रोल में करें, अपने अखराजात को कम करें। जो बिजली के बिल हैं वो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह कितने आजकल किस तरह हर महीने एक नया उस पर टैक्स लग के आ जाता है और कितनी महंगाई हो गई है। तो आपने अपने आप को सर्वाइव किस तरह से करना है कि अपने खर्चात पे काबू करके, अगर आप जो फालतू बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इसको बिल्कुल इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें और कोशिश करें कि पाकिस्तान की इकानमी अपने घर वालों की इकानमी का हिस्सा बने। और कोशिश करें कि अगर आप कुछ नहीं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप फ्री हैं, तो आप ज़रूर, आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिस पर आप काम करके थोड़ा बहुत किसी न किसी तरह से अर्निंग कर सकते हैं, अपने बिजली के जो आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको महदूद करें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उस पर तवज्जो देने के बजाय जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर फोकस करें। और अगर आप एक अमीर आदमी हैं
और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गुरबत है और जो गरीब लोगों की तादाद वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप अमीर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हक बनता है कि दूसरों की मदद करें। एक दूसरे की मदद करने से मसाइल हल हो जाते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे, और जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं इससे निकलने में अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा। लेकिन इसके लिए हमें ये बड़ा डीपली सोचना होगा कि ये चीज़ें हमें अपने लाइफ से, अपने मुआशरे से और अपने पाकिस्तान से निकालने की ज़रूरत है। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि आप सब इस बात को यकीनी बनाएं कि ये सारे मामलात हमने हल करने हैं, और नेक्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट आए और जो भी मामलात हों तो उसके लिए उन लोगों को सपोर्ट करें जो इस्लाम और इस्लामी रवायात और इस्लामी इकदार के और इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्म हैं। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा ये मामलात हल नहीं होंगे। तो इस वक्त उन सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है जो लोग आज साहिबे इस्तेदात हैं, साहिबे इक्तदार हैं, और वो ऐसे लोग जिनके पास ताकत है, पावर है, जिनके पास पैसे की पावर है, दौलत की ताकत है, या जिनके पास लोगों की ताकत है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई उलमा हज़रात हैं, ऐसे कई गद्दी नशीन हैं, पीर हैं, ऐसे कई और आस्थानों पे बैठे लोग हैं जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, और वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करके उनको इस्लाम की दावत दे के और उनको इस्लामी रवायत के मुताबिक और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नफाज के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इन मसाइल के हल के लिए ज़रूर उनको इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि अपने आस्थानों पर बैठ के और ना ही उस पर बैठ के सिर्फ नजराने हासिल करना, ये दीन नहीं है। और वल्ला मैं आस्थानों की बड़ी कदर करता हूँ, और जो अल्लाह के वली और जो अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं और जो मौजूद हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम हैं, इंतहाई मोहतरम है हमारे लिए। लेकिन उन्हें अभी सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने जितने ज़्यादा मामलात हैं उनको छोड़ के, जो फजूल मामलात हैं उनको छोड़ के, इस मामले में ज़रूर सोचे, पाकिस्तान की इकानमी में अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। मैं ऐसे कई बुज़ुर्गों को जानता हूँ, क्या ऐसे आस्थानों को जानता हूँ जो करोड़ों और लाखों और अरबों रुपए की जायदाद के मालिक भी हैं और लाखों फॉलोअर्स हैं उनके पास, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। वो और खुराफात में हैं, कभी घोड़ों की रेस में शामिल हो रहे हैं, कभी गाड़ियों की रेस में शामिल हो रहे हैं, कभी किस चीज़ में शामिल हो रहे हैं, कभी किस चीज़ में, और उनके ख़ानदान एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं अपने इस हुकूमत की कुर्सी को लेने के लिए। हुकूमत उनकी जो अपनी हुकूमत है, उनकी जो आस्थानों की हुकूमत है, उसको उसके असूल के लिए वो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो खुदारा अगर आप कोई ऐसा शख्स सुन रहा है तो हम पे रहम करें, हमारी पाकिस्तानी आवाम पे रहम करें और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि जो बहुत बड़ा क्राइसिस, जो पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस रहा, स्पेशली इससे पाकिस्तान इससे मज़ीद मुतासर हो रहा है, तो इसमें अपना किरदार अदा करें। हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अंदर जो जो अभी रिसेंटली जंग से निकला है, वहाँ आप डॉलर के रेट को देख लें और पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट को देख लें, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे ऐसे माफियाज़ हैं जो सरगर्म हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान को गिराने में, और पाकिस्तान को सफाहस्ती से मिटाने के लिए भी काफ़ी सारे लोगों की कोशिश है कि ये लोग ज़्यादा ख्वार हों, इनकी इकानमी तबाह हो जाएगी, तो ये लोग फिर हम हर हिसाब से घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आखिर में वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, तो जाते जाते ये मैं कह दूँ कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है और इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, हम सब का और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल और इसको और इसकी इकानमी को बेहतर बनाने और पाकिस्तान के अंदर ऐसे इकदाम करने की तौफीक अता फरमाए जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और